वापस एक बार हम लोग आ गए एक खतरनाक व्लॉग के अंदर और हम लोग है अपने सेम वाले हमेशा वाले रूम के अंदर। लेकिन गाइस आज हम लोग करने वाले हैं रूम एक्सचेंज विकास के रूम के साथ और वो मेरा वाला रूम यूज करेगा। तेरा इंडिया रूम नहीं चाहिए, तू रह नहीं पाएगा मेरे रूम में, क्या ऐसा बोलना चाहते है? गंदा रूम है। देख देख जो अपने रूम एक्सचेंज करके काम कर पाएगा वो जीत जाएगा। चल क्या मिलेगा वो बता। कुछ पता ना मुझे क्या दे सकता हूँ। गाइस इसने कुछ वीडियो देखे थे यूट्यूब पे रिमोट कंट्रोल करने के, कुछ तो ऐसा चैलेंज था, तो जो जीतेगा वो दूसरे को रिमोट कंट्रोल कर पाएगा पूरे दिन। और एक बात ऐसी है कि हम लोग कुछ भी रूम से यहाँ वहां लेके नहीं जा सकते, समझ रहे तू? मतलब फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे तेरे पास नुबड़े जैसा भिखारी जैसा चार्जर नहीं है, ठीक है? इसके पास चार्जर नहीं, ठीक है? तो ये पीसी पे लगाना है तो मुझे भी यही यूज करना पड़ेगा, मेरा चार्जर नहीं लेके आ सकता। अबे मैं तेरा रूम तो साफ करूंगा, मुझे नहीं पसंद। वो तेरी मर्जी, तुझे क्या करना है? वो ना गंदा रूम है ना, कचरा है, कचरा है, कूड़ा खाना। भाई मुझे जैसे रहना पसंद है वैसे। गाइस तो अभी अपना चैलेंज शुरू होने वाला है, 3, 2, 1। अभी हम लोग इसके रूम में आ गए है और भाई ये मतलब मोस्टली ना ये रूम मैंने डेकोरेट किया था एक्चुअली बोलते तो। यहाँ पे जो लाइट्स है ना, दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये लाइट्स है ना, ये एक्चुअली में मैंने डेकोरेट की थी। तो भाई ये दिखने में तो बढ़िया दिखता है बट इसका रूम है ना ऐसा खाली खाली सा नहीं लगता, मुझे ना ऐसा स्पेशियस रूम पसंद है। ऐसा इसका छोटा सा है थोड़ा सा, और सोफा वगैरह तो सेम ही है, सब कुछ सेम है, बस इसका ये जो पीसी है ना थोड़ा सा पुराना है, बाकी कुछ इश्यू नहीं इसमें, ये चलता तो अच्छे से मस्त चलता है। चलो नुबड़े के रूम में। भाई पूरा कचरा है, आपको दिखा देता हूँ। एक सेकंड, दो दो चेयर क्यों है पता नहीं, और इधर आपको दिखा दूं तो गैजेट्स वगैरह कुछ ना कुछ पड़ा रहता है। क्या ही केबल मैनेजमेंट किया है इसने, मेरे रूम में अच्छा किया है बट खुद के रूम में पूरा गंदा रखा है। हाँ, मैं आ तो गया इसके रूम में बट मुझे सही में इसके पीसी की थोड़ी भी आदत नहीं। गाइस अभी हम लोग इसके पीसी पे काम करेंगे, तू यहाँ पे क्यों है? क्यों ना हूँ, मेरा रूम है, काम कर जा। भाई ये बंदा देखो क्या ले रहा था अमेजोन पे, ये एक्चुअली यार स्पॉइलर अलर्ट हमारे टेक चैनल के गैजेट्स वाले वीडियो के लिए। वो इसने ये सब क्या कब लिया, मैंने देखा ही नहीं था ठीक से। भाई दिखने में छोटा है बट वेट ऐसा लग रहा है आधे किलो का ये। और मैं जब से इसके रूम में आया हूँ ना, ये बंदा कब से हिल रहा है, ये सुपरमैन को देखो भाई। अबे भाई शांत हो जा, इसको शांत करते हम लोग। अब शांत हो गए, वापस से हिलने लग गया धीरे धीरे, देख सकते हो आप लोग ये देखो। बाकी तो मुझे नहीं लगता इसने कभी ये वाला टीवी चालू किया होगा ज्यादातर, और इसके रूम में कुछ चीजें हैं जो मेरे रूम में है ही नहीं। इसके पास है भाई ये PS5, देन ये जो सब यार प्लेन उड़ाने के लिए सिमुलेटर्स के लिए PS4, देन Xbox One X, देन सीरीज एस, PS4 प्रो अगेन एंड Xbox सीरीज एक्स। ये वाले कंसोल्स मेरे रूम में एक भी नहीं है क्योंकि यार मैंने जगह ही नहीं की थी कंसोल्स के लिए। पीसी गेमर भाई, पीसी फॉर द विन। हम लोग ना PS चालू करके देखते हैं। आ जाओ गाइस यहाँ पे एक्चुअली में हमारे पास है नया वाला GTA 5 PS5 ग्रेड के, ग्राफिक्स थोड़े से अलग है मोस्टली, मे भी आपको उसमें समझेगा नहीं बट खेलने वाले को समझ जाता है। भाई चलो इसमें थोड़े एक दो मिशन वगैरह हो जाए। यो फ्रैंकलिन कैसा है? गाइज एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ इसके पास है ना ये बढ़िया सा कैमरा है तो हम लोग है ना एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी है ना वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये बढ़िया वाली लाइट्स भी है आपको शायद, तो यहाँ पे है ना हम लोग है ना एक गेम प्ले रिकॉर्ड कर सकते हैं लाइक रिएक्शन वाला, क्योंकि कैमरा भी है अपने पास बढ़िया वाला। मुझे पता है आप लोग को ये नुबड़े का रूम बहुत फैमिली है, यहाँ पे इसका खतरनाक का लोगो एक से। ऑलराइट गाइज अभी ये चमकेगा मेरे पीछे एकदम खतरनाक, इसके साथ मुझे एक्चुअली ना एक फोटो भी लेना है और फिर यहाँ पे अपना टेक। और इसके लिए ना मैंने और भी सॉफ्ट टॉयज लिए, एक्चुअली मुझे लगता है बाहर कुछ कुछ आए होंगे, हम लोग चेक करते हैं। ये देखो भाई गाइस यहाँ पे एक्चुअली गलती हो गई है मुझसे, शायद दो दो मिक्की माउस आ गए और मुझे लग रहा है मेरे से ज्यादा इसके पास गाड़ियों का अच्छा सा कलेक्शन है, बहुत ज्यादा प्यारा कलेक्शन, बहुत सारी गाड़ियां है। और ये देखो भाई ये कंप्लीट मतलब और भी क्रीपर वगैरह आने वाले यहाँ पे, मतलब माइनक्राफ्ट की चीजें भी ली है मैंने।
ये देखो भाई बड़ा सा क्रीपर, एक्चुअली ये मतलब थोड़ा सा इनएक्यूरेट है, वो देखो वहां पे गैप वगैरह। अरे क्या कर रहा है बे? गेम खेल रहा हूं। अरे काम गंदा कर, कुछ एक्स्ट्रा हो गया था तो ये रख ले मेरे रूम में। अरे किधर भी डाल देता है। चल आज तेरा रूम है इसलिए तेरे को छोड़ दिया। अभी इसका पीसी यूज करके देखता हूँ मैं। गाइस एक काम करता हूँ, मैं वैलोरेंट खेल के देखता हूँ। लिटरली इसके पीछे वो कभी खेला नहीं, तो मैं सही में बता रहा हूँ इसके हेडफोन मुझे पसंद ही नहीं है। मतलब अजीब ही आवाज आता है, ऐसा समझ में नहीं आ रहा है गेम से आ रहा है कि कहाँ से आ रहा है। बट ठीक है यार, आज के दिन एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पे मैंने बहुत गंदा स्कोर किया क्योंकि इसका ये और ये हेडफोन सबसे घटिया है। मैं बता रहा हूँ ये माउस भी गेमिंग के लिए परफेक्ट नहीं। अभी गाइस खाना वगैरह हो गया मेरा, खा के मुझे एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है, इसके ही पीसी पे करनी पड़ेगी। खतरनाक ग्राफिक्स वाली तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसके लिए खतरनाक पीसी लगता है, बट दूसरी वाली कर लेंगे। पर तो यार कपड़े बदल लेता हूँ, भूल जाता हूँ यार यूट्यूबर हूँ। ओके कोई बात नहीं, अभी मैं यार वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ इसके रूम में। लेकिन यार ये नॉर्मल सा कैमरा है, मेरा वाला यार खतरनाक वाला कैमरा नहीं आएगा भाई। अभी जाके मेरी एक वीडियो रिकॉर्ड हो गई, दो घंटे से भी ज्यादा टाइम हो गया। थोड़ा सा ये यूज कर लो क्या, व्हील मैंने काफी टाइम से यूज नहीं किया है, इसको यूज कर लेंगे हम लोग। गाइज आई भी कंफ्यूज हो गई कि मैं क्या कर रहा हूँ इसके रूम में। आई को पता ही नहीं हम लोगों ने रूम चेंज किए आज के लिए। चलो अपने लिए मस्त ग्रेप्स आ गए यहाँ पे, वाह वाह वाह, अभी ग्रेप्स खाएंगे। हाँ विकास के लिए थे, मैं खा लेता हूँ ठीक है। अभी गाइज हम लोग ये वाले व्हील का इस्तेमाल करके और ये वाले पैडल्स का इस्तेमाल करके ये गाड़ी चलाने वाले। ये देखो मस्त, आई गेस 99% लोगों को समझ ही आ गया ये एक लैम्बोर्गिनी है और मजा आने वाला है। थोड़े टाइम के लिए हम लोग यही टाइम पास करते हैं। अब भाई स्पीड है 400 के ऊपर। भाई खेलते खेलते मैं भूल गया, टाइम हो गया है, मुझे वीडियो एडिट करनी है। एक ही चैनल नहीं अपने पास काफी सारे। एक्चुअली मुझे है ना गाइस गंदे रूम पसंद नहीं है, मतलब इधर उधर सामान पसंद नहीं है, तो मैं सोचो इसका जो रूम है ना आज थोड़ा सा साफ करके देता। फाइनली गाइस मैंने इसका रूम साफ कर दिया है, अभी आपको दिखा देता हूँ कि सब मैंने कितने अच्छे से अरेंज कर दिया है। यहाँ पे भाई अपना टेक का सेटअप, मतलब यहाँ का पूरा कचरा निकाल दिया। उसके बाद में अभी ये रूम कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है। ऑब्वियसली ये वाले पार्ट को मतलब एरिया को इग्नोर कर दो क्योंकि ये जो केबल मैनेजमेंट है भाई ये मुझसे नहीं होगा। ये वाली साइड देखो गाइस, यहाँ पे पहले कितना कचरा था, ऑब्वियसली वहां पे पोछना बाकी है, बट ये सब मैंने इसके अंदर डाल दिया और जो कचरा था वो फेंक दिया। सुन ना तेरा रूम देख, अब थोड़ा सा अच्छा किया मैंने। यस कपड़े आ गए मेरे, तो इसमें डाले ना, इसमें डालना होता है दुबड़े, देख ले भाई यहाँ से चीजें कहाँ गायब हुई थी। अरे वो कचरा था, कचरा वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है, सब बोल रहा है चीजें गंदा दिख रहा है मुझे लगता है। पहले अच्छा काम कर तू निकल चल। तो गाइस एक्चुअली मैं ना इसके पीसी पे है ना रिकॉर्ड करने का सोच रहा था अपने चैनल के लिए एक वीडियो। ये देखो पीछे एकदम बढ़िया सी लाइट है और इसका पीसी अच्छा है, बट आपको एक चीज बता दूं, ये देखो इधर है ना मैं इसके कैमरा, ये कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा था, मतलब ये बस नॉर्मल ओबीएस है। तो इसमें गाइस ये ना हर बार ये मतलब एक टाइम पे फ्रीज हो रहा है। अगर सपोज मैं वीडियो रिकॉर्ड करने बैठ गया और फ्रीज हो गया तो पूरी वीडियो वेस्ट जाएगी। ये मतलब लिटरली थर्ड फोर्थ टाइम है क्योंकि मैं बाजू में देख रहा था कौन से मतलब वीडियोस पे रिएक्ट करूं, वीडियो बन भी नहीं सकती यार। आप लोग ही देख लो यार कितना अच्छा सेटअप लगता है, बट बहुत गंदा वाला फेल है ये। ओके गाइस तो अभी रेडी है हम लोग वीडियो के लिए, लिटरली 1v1 होने वाला है पहलो में और मैं ही जीतूंगा। गाइस तो अभी एक चैलेंज में मैं जीत गया हूँ, 1v1 किया था वैलोरेंट में, तो उसमें से टेक मैच में जीत गया। ये माउस, ये देखो माउस पे नाम डालने वाले बंदे भाई, मैं मुझे वो मेरा सेटअप दे मैं जीत जाऊंगा। कंसेप्ट वही था, अलग अलग सेटअप। नहीं 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 सुन सुन सुन, भाई ये वाला माउस बोल रहा है बंदा, ये माउस ये गंदा सा भद्दा सा, क्या मस्त माउस है पता है। इसके रूम में गाइस कुछ ज्यादा ही चीजें एक्चुअली बोलूं तो, यहाँ पे इवन ये भी है यार, इसके बारे में तो मैं भूल ही गया था।
ये देखो गैस, हम लोग थोड़ी सी ड्राइंग करते हैं, कलरिंग बुक के शायद एक, ठीक है। तो क्या हो गया इसको? मैंने तेरे रूम से गिव अप कर दिया क्योंकि मैं चैलेंज हार गया। ना तेरे रूम में एक वीडियो बन सकती है मेन चैनल की, ना मेरी रिकॉर्ड हो सकती है। सोच ले, रिमोट कंट्रोल मतलब मुझे पूरा दिन सुनना होगा तेरा, तू जैसे बोलेगा। कुछ गैस ये हार गया, ठीक है। तो मैं तब तक कलरिंग कर लेता हूँ, अभी कलरिंग स्टार्ट की कंप्लीट कर ही देते गाइस। ये देखो क्या कर...